पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक संवर्ग की मांगों के निराकरण को लेकर शिक्षकों ने यहां पर हजारेश्वर पार्क से बाइक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट श्योपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त व कार्यरत शिक्षक संवर्ग की निम्नलिखित राज्य स्तरीय मांगों व समस्याओं पर आपकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। प्रदेश के एनपीएस योजना के अंतर्गत सम्मिलित समस्त लोक सेवकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही राज्य शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों की स्थगित क्रमोन्नति पर रोक हटाते हुए अविलंबित क्रमोन्नति आदेश जारी किए हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हुई रुकी हुई पदोन्नति के लाभ दिए जाने पर विधि सम्मत विचार कर पदोन्नति का लाभ दिए जाने, राज्य शिक्षा संवर्ग में सम्मिलित समस्त शिक्षकों शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक अध्यापक गुरुजी की वरिष्ठता संबंधी असमंजस को दूर करते हुए सभी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। नवीन शिक्षक संवर्ग कृषि होम साइंस अन्य शिक्षक संवर्ग के साथ नियुक्ति के आदेश जारी किए जाए। छठवें वेतनमान व सातवें वेतनमान की विसंगतियों में सुधार किया जाए। अनुकंपा नियुक्ति नियमों का उचित शिथिलीकरण व संशोधन करते हुए अभी तक जिन लोक सेवकों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है, एक माह के अंदर विभागीय शिविर आयोजित कर लंबित प्रकरणों में पात्र लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। स्वयं के व्यय से डीएड बीएड करने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। निर्वाचन काल में संलग्न बीएलओ के पद पर नियुक्त शिक्षकों को बीएलओ के दायित्व से मुक्त करते हुए अन्य विभाग के लोक सेवकों को बीएलओ बनाया जाए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से 100% वेतन भुगतान के साथ परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष की जाए। इन मांगों को लेकर यहां पर विरोध किया गया। साथ ही राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश में निर्णय के अनुसार अगर मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो 9 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ शिक्षक गण जो है कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए, क्या मांग को लेकर के आप ज्ञापन सौंपने आए? हमारी कई प्रकार की मांगे हैं, उसमें मैं ना पुरानी पेंशन और पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम संघर्षरत है। हमारा 5 सितंबर को कार्यक्रम राज्य शिक्षक संघ का चालू हुआ और 5 सितंबर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम था। आज जिले स्तर पर पूरे प्रदेश में हम ज्ञापन दे रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, धरने दिए हैं और आगामी अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है तो और उग्र आंदोलन करने के लिए भी हम तैयार हैं। हमें पुरानी पेंशन चाहिए किसी भी हाल में। यानी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे और यहाँ ज्ञापन देने के लिए आप उपस्थित हुए हैं? हाँ जी हाँ, हम पुरानी पेंशन के बहाली के लिए ज्ञापन देना है। यानी आगामी भी आपके कार्यक्रम में अगर इसके बाद भी आपकी सरकार नहीं सुनती है तो किस प्रकार के कार्यक्रम में? अभी 8 तारीख को भोपाल में, अभी ऊपर से जो मार्गदर्शन मिला है 8 तारीख का भोपाल में प्रदर्शन का आह्वान हुआ है, तो उसमें शामिल होंगे, जिले के पूरे समस्त जिले शामिल होंगे।